दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू। और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक पुरानी कहावत है कि नहर खुदी नहीं और घड़ियाल पहले आ गए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी नहर खुदी नहीं है, कहीं पानी की निकासी की तय नहीं हुई है कि कहां से नहर निकाली जाएगी, लेकिन घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ वहां पहले पहुंचने शुरू हो जाएं। ये उक्ति आज इसलिए याद आ गई कि 1 तारीख को जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बैठक बुला ली है इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की। इस बात पर मुझे ये उक्ति याद आ गई कि नहर खुदी नहीं, घड़ियाल पहले आ गए। अब आप सोचेंगे कि इस उक्ति का और इस बैठक का आपसी तालमेल या इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया गठबंधन के लोगों को कुछ ऐसा लगने लगा है कि जो 4 जून होगी, 4 तारीख जिस दिन चुनाव परिणाम आने हैं, उनके लिए वो वैसा सेम हो जाएगा जैसे कि घड़ियाल को लग रहा हो कि नहर खुदनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए लगता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये लगा। अब बड़ी बात ये आती है कि 1 तारीख को, 1 जून को 58 सीटों पर और वोटिंग होनी है। अभी 7वें चरण का मतदान, 6 चरण का मतदान तो हो चुका है, 7वें चरण का मतदान बाकी है। मैं आपको बताऊं कि इन 6 चरण के चुनाव तक तमाम नेताओं के अपने दावे हैं, चाहे वो नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो नेता कांग्रेस के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आप माने तो देश के गृह मंत्री को ले लें, भारतीय जनता पार्टी के मोदी के बाद जो 2nd नंबर नेता हैं वो अमित शाह हैं। तो अमित शाह कह रहे हैं, एक जगह भाषण दे रहे थे कि 5वें चरण की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। अमित शाह कह रहे थे कि 5वें चरण की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है और 5वें चरण के अंदर बहुमत मिल गया है मोदी जी को, बहुमत। गजब बात है, ये कॉन्फिडेंस है, गजब कॉन्फिडेंस है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, इसके साथ इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, सब कह रहे हैं। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा ने तो बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर दी। पवन खेड़ा ने कह दिया कि भाई 5 चरण के चुनाव के बाद हम भी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, और इसीलिए बना ली बैठक, इसीलिए बैठक बुला ली इंडिया गठबंधन के लोगों ने। और मुझे वो युक्ति याद आ गई कि नहर खुदी नहीं, घड़ियाल पहले आ गए। या इसको आप यूं ले सकते हैं कि दुल्हन तो तय हुई नहीं है पर बैंड बाजा बारात सब तैयारी पहले शुरू कर दी है। 1 तारीख को बैंड बाजा बारात सज जाएंगे। जो 1 तारीख की बैठक करने जा रहे हैं, बताया ये जा रहा है कि उस बैठक का जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि आखिर कौन तो नेता होगा, यानी कि दूल्हा कौन होगा, प्रधानमंत्री जो बनेगा वो दूल्हा। फिर ये सोचा जा रहा है कि अगर कोई कमी रह गई तो बाराती और कौन कौन से शामिल कर लिए जाएं। अब उसके अंदर बैंड पार्टी कौन होगी, बैंड बाजा कौन बजाएगा, बारात का चमर कौन ढुलाएगा, बारात आगे कौन चलेगी, ये सारी बातें उस बैठक में तय होंगी। इसलिए मैंने कहा कि बैंड बाजा बारात सजेगा उस दिन। अब 1 जून को बैठक बुलाने का मकसद जो समझ नहीं आया असल में, और इस पर चर्चा है, लोग सोच रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बात तो ये कि जो 58 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, 58 सीटों पर, उन 58 सीटों में दोस्तों पंजाब में भी मतदान होना है, 13 सीटें हैं, 14वीं सीट वहां पर चंडीगढ़ की भी है, उड़ीसा में भी मतदान होना है, पश्चिम बंगाल में भी मतदान होना है, बिहार में भी होना है, उत्तर प्रदेश में भी होना है, इवन मोदी की सीट पर चुनाव होना है उस दिन वाराणसी में, काशी में। और इन 58 सीटों को क्या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? अगर आप माने तो आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही दोनों जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं पंजाब में मुकाबले में है। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर इंडिया गठबंधन से, वो भी माना जा रहा है कि बहुत सशक्त मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर चुनाव है वो पूर्वांचल की सीटें हैं, और पूर्वांचल की सीटों पर अखिलेश बाबू को लग रहा है कि जनता बहुत साथ दे रही है। जब जनता साथ दे रही है, 58 सीटों में मिलने की उम्मीद है, तो क्या फिर बीजेपी, तो क्या फिर इंडिया गठबंधन वालों को, कांग्रेस को, अखिलेश यादव को कोई जरूरत नहीं है उन सीटों की, उन सांसदों की? भाई अगर आपको बैठक बुलानी ही थी तो फिर 2 तारीख को क्यों नहीं?
अगर आपको बैठक बुलानी थी तो फिर 4 तारीख को क्यों नहीं शाम को? लेकिन हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये लग रहा हो कि भैया जो उनकी ब्रिगेड में उनका जो कुनबा जुड़ा है, एक कहावत है वो भी पुरानी कि भानुमती का कुनबा जुड़ना, भानुमती का जो कुनबा जुड़ा है, कुनबे तो दोनों साइड जुड़े हैं भानुमती के, प्रधानमंत्री के जो नरेंद्र मोदी जी की जो NDA है BJP के साथ वाली, उसमें भी 38 पार्टियाँ, चाहे वो चली गई रुकी कुछ भी हुआ, पर लेकिन माना जा रहा है 38 पार्टियाँ उसमें भी हैं, और जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो भानुमती के कुनबे दोनों तरफ है। लेकिन अब क्या कांग्रेस को ये लगता है कि अगर उनको बहुमत मिला और NDA वालों को मोदी साहब की पार्टी को बहुमत ना मिला तो फिर उनकी पार्टियां कहीं वहां ना खिसक जाए, उनको रोकने की कवायद है? अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 तारीख को बैठक, तो बैठक पर एक ग्रहण तो पहले लग गया, वो ग्रहण ये लगा कि दीदी ने कह दिया मैं नहीं आऊंगी, दीदी ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई 1 तारीख को मेरे एरिया में, मेरे पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो चुनाव को बीच में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि दीदी की कई शर्तें हैं पहले से ही, NCC और उसके साथ UGC, इन सबको लेकर के दीदी ने अड़ंगा लगा हुआ है, और अब फिर कह दिया कि मेरे जो पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया हुआ है चक्रवर्ती, वो रैमल कह रही है, उसकी वजह से भी कह रही है कि वहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत है, और फिर कह रही है कि उस दिन मतदान है 1 तारीख को, तो मतदान को छोड़कर, चुनाव को छोड़कर कैसे बीच में आ जाएं? इंडिया गठबंधन ने अगर 1 तारीख की बैठक बुलाई थी तो अखिलेश यादव क्या बीच में छोड़ के आ जाएंगे यूपी को? क्या तेजस्वी यादव बिहार को छोड़कर बीच में आ जाएंगे? चलो कांग्रेस के पास तो पंजाब में और भी नेता हैं, चलो आम आदमी पार्टी के पास भी सरदार साहब वहाँ, भगवंत मान वहीं रह लेंगे, केजरीवाल साहब आ सकते हैं। वैसे केजरीवाल साहब का जब जिक्र मैं आपसे कर रहा हूँ तो मुझे एक बात और याद आ गई कि शायद वो बैठक 1 तारीख को इसलिए बुलाई हो क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल साहब को जो जमानत मिली थी एंटरिम बेल सुप्रीम कोर्ट से, वो 1 तारीख तक के लिए मिली थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने और उनके वकीलों ने कल एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि जल्दी सुन लिया जाए, और ये कहा था कि हमें 7 दिन की मोहलत और दे दो, 7 दिन की मोहलत, बहुत सारे जांच करवाने हैं, सीटी स्कैन करवानी है और तमाम जांच करवाने हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि वो जांच पहले भी हो सकती थी, खैर अब शायद ये भी कारण रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिले और अरविंद बाबू को जाना पड़े जेल, तो फिर भैया आम आदमी पार्टी का आदमी कोई, इससे छोटा मोटा कोई और नेता आए, या फिर संजय सिंह, भगवंत मान साहब ऐसे कोई नेता आए, या सुनीता केजरीवाल रहनुमाई करें अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, इन सबसे बचने के लिए मीटिंग 1 तारीख को कर ली जाए। अब ये बहुत सारे सवाल हैं 1 तारीख को बैठक करने के पीछे। एक तरफ तो विरोधाभास उनके अपने अंदर कि इंडिया गठबंधन के क्या तमाम नेता पहुंच जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्या 58 सीटों पर अब इंडिया गठबंधन के लोगों को इतना मिलने लगा है कि उन्हें लगता है 58 सीटों पर जो होगा वो होता रहे, कोई जरूरत नहीं है, और या फिर ये अति आत्मविश्वास है, उनको बताना चाह रहे हैं भाई आप वहां लगो और हम मीटिंग कर लेते हैं अपनी, अपना दूल्हा भूला तय कर लें, बारात बराती वराती सब फिक्स कर लें, भाई कौन क्या चलेगा। और तीसरी बात ये है कि क्या ये दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स है? प्रेशर पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है हमेशा, दबाव की राजनीति। मैं तो वो भी मानता हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन किया था वाराणसी से, काशी से, और वहां पर जो तमाम जमावड़ा लगा था देश के नेताओं का, वो भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी। वो प्रेशर पॉलिटिक्स NDA के नेताओं के लिए भी थी और वो प्रेशर पॉलिटिक्स BJP के लिए भी थी। दिखाना था ना उनको कि भाई देखो इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, कहीं सोचना मत कुछ और। खैर, विशेष बात यह है जब इस पर मैं चर्चा पे आया था कि नहर खुदी नहीं और घड़ियाल पहले आ गए, नहर की प्लानिंग चल रही है, अभी तो तय ही नहीं है कि उनको सरकार के लायक कुछ मिल जाएगा, लेकिन अपने आप में, अपने अंदर मन में लड्डू फूटने शुरू हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी बीच में शर्त लगा रहे थे कि शर्त लगा लो हमारी सरकार बन रही है, अब पता नहीं शर्त किससे लगा रहे थे, TV पर बोल रहे थे। बड़ी बात यह है कि क्या ये जो चुनाव है 2024 का, एक तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि 5 चरण में ही बहुमत मिल गया, 310 पार हो गए,
और एक तरफ इंडिया गठबंधन वाले, कांग्रेस वाले और तमाम नेता कह रहे हैं कि हम भी पार हो गए, बहुमत से पार हो गए। अब बड़ा सवाल यह है कि ये पार हो गए या मझधार में अटक जाएंगे, और नया पार लगाने के लिए क्या एनडीए या इंडिया वालों को और माजी ढूंढने पड़ेंगे बीच में? आपको क्या लगता है कि 4 जून को देश क्या फैसला करने वाला है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।